हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और फोटोशॉप की वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप फोटोशॉप के अंदर पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करते हुए 12 पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं 4x6 पेज के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करूंगा और इसके बाद इसका 12 पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरीके से आप इजीली इसका बैकग्राउंड चेंज करते हुए 12 पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं 4x6 पेज के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करना है और सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल, इस पर क्लिक करना है। नीचे ओपन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें पिक्चर लेना है, जहाँ पे भी रखा होगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, मैं डेस्कटॉप से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे ओपन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव करना है, सिलेक्शन करना है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, पॉलीगोनल लैसो टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर हमें अब सिलेक्शन करना है जो पिक्चर का बैक।
लगेगा वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ फिर से क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी कलर आप अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके करना है और सिंपली डिलीट बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड वो इसके बाद आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। ऊपर एडिट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विड्थ 3px रखना है। यहाँ पे आप पिक्चर का बॉर्डर सेलेक्ट करना है, सेट करना है। यहाँ पे 3px रखना है और यहाँ पे आप कलर कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल डी करूँगा ताकि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे 4x6 पेज के अंदर सिंपली कंट्रोल वी करूँगा। यहाँ पे फोटोग्राफ आ चुका है, यहाँ पे इस फोटो को कॉपी पेस्ट करना है। इसमें यहाँ पे पिक्चर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला टूल मूव टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। अब हमें इस पिक्चर को इधर घुमाना है, इसके बाद यहाँ पे इसको लेके आना है। यहाँ पे हमें थोड़ा इसका साइज़ कम करना है ताकि यहाँ पे हमें 12 पासपोर्ट साइज क्रिएट करना है। यहाँ पे एक लाइन में 3 फोटो आना चाहिए, नीचे 3, नीचे इसके नीचे 3, इसके भी नीचे 3। इसके बाद इसका साइज हमें थोड़ा कम करना है। इसके बाद हमें सिंपली इस पिक्चर पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। के बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है।
यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव, इस पर क्लिक करना है और जहाँ पे भी सेव रखना चाहते हो तो वहाँ आप लोकेशन सेलेक्ट करना है। मैं डेस्कटॉप इसको सेव करूँगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेम लिखना है जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद नीचे फोटोशॉप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, JPG और PNG। करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।